नगर परिषद मनाली की अध्यक्षा नीना ठाकुर और पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर मॉल रोड मनाली में साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। मनाली में सफाई के साथ साथ नगर परिषद द्वारा कोरोना वायरस को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नगर परिषद मनाली ने भी स्वच्छता को लेकर अभियान शुरू कर दिया है। मनाली में नालियों को साफ किया जा रहा है। शुक्रवार को मॉल रोड में नगर परिषद मनाली ने सैनिटाइजिंग का कार्य शुरू कर दिया है। नगर परिषद मनाली की अध्यक्षा नीना ठाकुर और पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर इस अभियान की मॉल रोड से शुरुआत की है। नीना ठाकुर ने बताया कि सफाई के साथ साथ कोरोना वायरस को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के 28 कर्मचारी सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं और अगर कोई स्वेच्छा से इस कार्य में भाग लेना चाहता है तो उसका वे स्वागत करती हैं। हम लोगों ने सारे 1 से 7 बार तक सभी जगह पे जहाँ भी पब्लिक प्लेस है और जहाँ पे लोग बैठते हैं, बेंचेस हैं हमारे, अभी तो हमने माल रोड से शुरू किया हुआ है, आज हम 3-4 बार कर लेंगे। नालियाँ, सब जगह की नालियों में भी हम लोग कोरोना वायरस के लिए ये जो मुहिम चलाई है उसके लिए हम सारे नगर परिषद की तरफ से सारे लोग एहतियात बरत रहे हैं। हमें आगे से भी ऑर्डर आया हुआ है और हम लोग सब इसके बारे में सब जागरूक हैं और इसके लिए हमने जो ये हम लोग मुहिम चलाई है इसको हम एंड तक हम करेंगे और नालियों के साथ साथ हम लोग सभी वार्डों में अंदर जाके सभी जगह ये इसकी स्प्रे कर रहे हैं और जो भी जहाँ पे भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पे हम लोग अभी आज से ही हम शुरू कर दिया है और नालियों को हम कल से नालियाँ भी हम करने जा रहे हैं और जहाँ पे हमारे को ज़रूरत लगे तो हम लोग हर जगह खड़े हैं और जब भी लोगों को ऐसा लगे कि कोई चीज़ों की ज़रूरत है तो वो नगर परिषद को एहतियात दे और हम लोग उसी टाइम वहाँ पे जाके ये स्प्रे भी करें। और हमारे पास अभी 7 वार्ड हैं, 7 वार्डों में तो हम लोग कर ही रहे हैं, अगर इधर उधर से भी हमें कोई बोलता है तो हम वहाँ पे भी जाके ये स्प्रे कर सकते हैं। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।